मन के चंचल होने पर चिदाभास चंचल होगा और मन के ठहरने पर चिदाभास टिका हुआ दिखेगा. मतलब फिलहाल के लिए हमें ये स्वीकार करना होगा कि अगर मन डिस्टर्ब है, परेशान है, तनाव में है, दुखी है, उदास है, किसी को याद कर रहा है, किसी की कमी महसूस कर रहा है, तो अब ये मन सुखी नहीं हो सकता. क्यों? जब जब मन हिल जाएगा तब तब प्रतिबिंब हिल जाएगा. ये एक प्रिंसिपल है. सो एज लॉन्ग एज योर माइंड इज काम, रिलैक्स्ड, नॉट डिस्टर्ब्ड, नॉट परटर्ब, नॉट एजिटेटेड, नॉट फ्रस्ट्रेटेड, नॉट मिसिंग एनीबडी, not waiting for anybody, and when the mind is still and calm, the chidabhas, the reflection of pure self in the mind, too will be relaxed. How will you know, or how will you realize? Skipping the chidabhas part will come later, but for now it is all about mind. So that is why it is very important to sit down and calm the mind. मन को ठहराना इसीलिए बड़ा जरूरी है. अब आप मंत्र को प्राणायाम से ठहराइए. मंत्र से ठहराएं बहुत अच्छा है. आप प्राणायाम से ठहरा लीजिए. आप अपने गुरु को याद करते हुए मन को ठहरा लीजिए. मैंने गुरु को याद करे, हमने उस दिन बोला ही, बताया ही ना कि गुरु को कैसे प्यार करते हैं, कैसे प्यार करते हैं करने वाले. अब गुरु की याद आई और मन तो बस गुरु के समान, गुरु का स्वरूप मन में, गुरु का शरीर का जो भी चेहरा मोहरा है वो मन में, गुरु की आवाज जैसे कान में गूंज रही है और गुरु की वो प्रेम भरी नजर जो शिष्य के हृदय को आह्लादित कर देती है, वो नजर उसकी. अब ये याद अगर मन में आ जाए तो ये भी मन को ठहरा देगी. वो मुझे ध्यान में आ रही है पंक्तियां नुसरत साहब ने गाई हैं. कि मैं मुखड़ी तो नजर हटावा, कि मैं मुखड़े तो ਕਿਵੇਂ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹਟਾਵਾਂ. ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ. क्यों क्यों देखी जाऊं कि तेरे विच रब दिसदा, तेरे विच रब दिसदा. बिकॉज आई सी फेस ऑफ गॉड इन योर फेस ओ मास्टर, हेंस आई कैन नॉट मूव माय आईज एनीवेयर लेफ्ट और राइट. आई कैन नॉट सी एनीथिंग.
So when you have this kind of love for Master, where will this poor mind go? Kahan jaye? देखिए संसार असार है ये समझ के भी वैराग आता है पर वैराग इससे भी आता है कि गुरु से प्यार हो जाता है गुरु से प्यार हो जाता है इसलिए सारा संसार फीका हो जाता है बल्कि जो संसार को असार मान के वैराग्य में आते हैं उनका वैराग्य बड़ा खुश्क होता है पर जिसका वैराग्य आया है गुरु के प्यार से उस वैराग्य में भी एक सरसता होती एक भराव होता है संसार असार देख के जो वैराग्य आता है वो कभी कभी बड़ा ही कठोर हो जाता है पर जो प्यार से प्रेम से श्रद्धा से जिनका मन जुड़ जाता है उनके वैराग्य में बड़ा रस होता है बड़ा रसदार वैराग्य होता है वो खुश्क नहीं होता है कठोर नहीं होता रूखे नहीं होते हैं वो बड़ी बड़ी मोहब्बत वाले होते हैं मैं ऐसे कई व्यक्तियों को मिली कोई बात करो उनसे वो एक ही बात उनके मुख पे बार बार आएगी सब गुरु जी की कृपा अच्छा आप गंगा जी पे रहते हो सब गुरु की कृपा उन्होंने बुला लिया अच्छा आप सन्यासी हो गए ए गुरु जी की कृपा उन्होंने सन्यास दे दिया अच्छा आप तो बड़ा ज्ञान जानते हैं वेदांत वो सब गुरु जी की कृपा है यहाँ ठंड नहीं लगती नहीं सब गुरु जी की कृपा है यहाँ तो शेर होता है सुना बानर है यहाँ और सुना बालू भी है यहाँ बोले ना गुरु जी की कृपा से वो कुछ नहीं कहते आप कोई बात कर लो उनसे ऐसे महात्मा ऐसी सोच वाला जो संत होता है उसके जीवन में इतनी खूबसूरती होती है इतना एक शुक्रिया का एहसास वो उठते बैठते शुक्रिया करता रहता है धन्यवाद गुरु ये मेरे गुरु धन्यवाद तू ना पकड़ता बाह तो हमारा क्या होता तूने पकड़ी बाह तूने इस राह पे चलाया तूने सिखाया तूने समझाया आंख बंद कैसे करनी तूने बताया श्वास को कैसे देखना तूने बताया मन को कहाँ टिकाना तूने बताया मन को तूने पंजाबी भाषा में कहते हैं कील के रख दिया ऐसा जादू टोना किया कील के माने बांध के तूने इस मन को रख दिया मन बंद गया है अब गुर जैसा नाही को दे जिस मस्त पाग सोलागा से सतगुरु मेरे की
जगत भई है सबनी माई दे दे सतगुर मेरा ताण निताण सतगुर मेरा कर दीपाण सतगुर के हो सजबल जाया प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया रे पावना प्याप जिन गुर सेवे तिस दुख ना संपाप नान सोध सिमर वेद नान सोध सिमर वेद पार ब्रह्म गुर नाही भेद
श्रद्धा और प्रेम से भरे हुए हृदय में ज्ञान पल्लवित होता है. सो अ माइंड विच इज फिल्ड विद लव कैन अब्सॉर्ब ऑल द नॉलेज एंड विजडम गिवन बाय द गुरु लाइक अ स्पॉन्ज विल सक अप ऑल द वाटर्स. सही बात तो यह है कि ये तो इतना सरल सरल मार्ग है, ये तो मुश्किल है ही नहीं. बस शुरुआत सही होनी चाहिए. अगर शुरुआत प्यार से हो रही है, मोहब्बत से हो रही है, तो फिर वैराग्य भी आएगा, विवेक भी आएगा, षट संपत्ति भी आएगी और मोक्ष की चाह भी आ जाएगी. क्योंकि मुक्त गुरु का बंधा हुआ चेला तो नहीं हो सकता. गुरु मुक्त, गुरु ज्ञानी, तो शिष्य भी होगा मुक्त और होगा ज्ञानी. अंधे गुरु के अंधे चेले, ज्ञानी गुरु के ज्ञानी. हम जिसकी संगत करेंगे हम वैसे हो जाएंगे. संसार की संगत करी तो संसारी हुए, अब सत्संगत में है तो सत्संगी हुए, और गुरु की संगत में बैठे शिष्य हुए, और जो शिष्य हुआ और प्यार और श्रद्धा से सुनता है उसको ज्ञान बड़ा रास आता है. और सच ये है जितना निर्मल 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 गुरु से प्यार मिलता है, गुरु की कृपा, गुरु की दृष्टि, गुरु की भावना. वाणी में बड़ी सुंदर पंक्ति आती, मतलब मुझे तो समझ नहीं लगती मैं इस वाणी की पंक्ति का क्या मूल्य दूं, क्या मोल चुका हूं मैं, है नहीं कुछ. तेरी दुनिया चल तेरे चरणों में चढ़ाई जिसने ये पंक्ति बनाई. Thank you.